मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ईडी की हिरासत में हैं। इस बीच स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ले जाया गया था। इस खबर के बाद कई आप नेताओं और मीडिया संगठनों ने सत्येंद्र जैन की ये तस्वीर शेयर की। पंजाब केसरी ने ये तस्वीर पब्लिश करते हुए लिखा कि ईडी की हिरासत में लिए जाने के बाद सत्येंद्र जैन की ये तस्वीर वायरल हुई, जिसमें उनके मुंह से खून निकल रहा है। और भी कई मीडिया संगठनों ने ये तस्वीर पब्लिश की और लिखा कि सत्येंद्र जैन के चेहरे पर खून लगा है। इस लिस्ट में जनसत्ता, एपीएन न्यूज, एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनता का रिपोर्टर, एबीपी न्यूज शामिल है। कई रिपोर्टर्स और आप नेताओं ने भी सत्येंद्र जैन की ये तस्वीर शेयर की। लेकिन जब ऑल्ट न्यूज ने इस तस्वीर के बारे में छानबीन की तो पाया कि हकीकत कुछ और ही है। कीवर्ड सर्च करने पर ऑल्ट न्यूज को सत्येंद्र जैन की कुछ ऐसी ही और तस्वीरें मिली। इन तस्वीरों में उन्होंने वायरल तस्वीर में दिखने वाले ही कपड़े पहने हैं, लेकिन इन तस्वीरों में सत्येंद्र जैन के चेहरे पर कोई चोट या खून के निशान नहीं है। एएनआई के फोटो जर्नलिस्ट राहुल सिंह ने सत्येंद्र जैन की ये तस्वीर ट्वीट की। उन्होंने ये तस्वीर 9 जून की बताई, जब सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ईडी ऑफिस ले जाया जा रहा था। इस तस्वीर का बैकग्राउंड वायरल तस्वीर के बैकग्राउंड से मेल खाता है। गौर करें कि सत्येंद्र जैन के चेहरे पर एक पेड़ की परछाई रिफ्लेक्ट हो रही है। दोनों तस्वीरों में कुछ मोमेंट्स का फर्क होने की वजह से चेहरे पर दिख रहे रिफ्लेक्शन की पैटर्न अलग अलग है। इन दोनों तस्वीरों की विजुअल कंपैरिजन से साफ हो जाता है कि सत्येंद्र जैन के चेहरे पर एक पेड़ की परछाई का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। दोनों तस्वीरों में रिफ्लेक्शन का पैटर्न एक जैसा ही है, यानी सत्येंद्र जैन के चेहरे पर पड़ने वाले रिफ्लेक्शन को मीडिया संगठनों ने खून का धब्बा बताया।